पुटकी नशा उन्मूलन महिला समिति के केंद्रीय अध्यक्ष सुंदरी देवी ने भागाबांध रोड स्थित आवासीय कार्यालय में बीकेबी कंपनी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समिति की अध्यक्ष सुंदरी देवी ने बताया कि एरिया 10 के अंतर्गत कच्ची बलिहारी में संचालित बीकेबी कंपनी द्वारा कोयला डिपो का कार्य किया जा रहा है, जो गैर कानूनी ढंग से संचालित हो रहा है, जिसके कारण से सरकारी तालाब का अस्तित्व खत्म हो रहा है। इसके साथ ही पूरे क्षेत्र में प्रदूषण फैल रहा है, जिसके कारण आसपास के घनी आबादी क्षेत्र प्रदूषित हो रहा है। इसी के विरोध में 19 तारीख को कंपनी के समक्ष एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस किए हैं कि हम लोग का जो कच्ची बलियारी 10 नंबर में डिपो खोला गया है बीकेबी कंपनी के द्वारा, जो कोयला डंपी का काम करता है, उसको हम लोग एक दिवस धरना 19 तारीख बंद करने के लिए संबंध में, और हम लोग का मांग पत्र यही है कि जो सरकारी तालाब उसको ढक करके वहाँ डिपो खोला गया है, और उसमें हम लोग का भी पानी छिड़काव हवा इतना माने रफ्तार से जाती है कि माने आदमी हम लोग को रास्ता चलने में दिक्कत होता है। हम लोग का रोड भी इस तरह मतलब हवा चल चल करके इतना ये हो गया कि उसका मरम्मत कौन करेगा। और सबसे बड़ा चीज़ है कि हम लोग जो प्रदूषण को इस तरह मतलब दूषित किया जा रहा है उस मांग को लेकर, और हवा जो जा रही है उसमें फिर तिरपाल वगैरह का ढकने का भी कोई सुविधा नहीं है, जो कि धूल सब उड़ते रहता है। कितने तारीख को बंदी कर रहे हैं आप लोग? हम लोग एक दिवस से धरना कर रहे हैं, हम लोग 19 तारीख एक दिवस से धरना। उसको लेकर हम लोग प्रेस वार्ता कर रहे हैं। पूरा परिचय दे दें। मेरा नाम है सुंदरी मातो, मैं नासान में महिला